पानी के बीचों बीच बसा एक ऐसा गांव, गांव जो 5 महीने से पानी में रहने को मजबूर है। यह गांव खंडवा जिले के पुनासा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है ग्राम अमोदा। यहां के लोग 2013 से ऐसी ज़िंदगी ही जी रहे हैं। NHTC द्वारा हर साल 5 महीने में नाव की व्यवस्था कर देता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे अमोदा गाँव के लोगों को राहत मिल सके। ग्रामीण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सफ़र तय करना पड़ रहा है। वैसे तो अमोदा गांव में 50 से ज़्यादा परिवार रहते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में इंदिरा सागर बांध का लेवल बढ़ने से बांगरदा के अमोदा गांव का मार्ग बंद हो जाता है। मार्ग पर कमर इतना पानी भर जाता है जिससे कि लोगों का सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। ये अमोदा ठेका की है, यहाँ 40-50 परिवार मांग करी है, और SDM साहब भी आए थे 2022 में, तहसीलदार साहब भी आए थे, उनने बोल के गए थे कि हम यहाँ पुलिया बनाएंगे, पर अभी तक कोई पुलिया का ठिकाना है नहीं कहीं का। नाव भेज दी थी, अब स्कूल के बच्चे तो नाव से जाते हैं, अभी नाव नहीं है तो बस इसी प्रकार हमको उतारना पड़ता है पैदल खटिया पे TU नीचे रख के, और फिर बाहर उतारना पड़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश यादव। अच्छा, क्या समस्या रहती है? बस समस्या यही है, आपके सामने दिख रहे हैं। अच्छा, बच्चे को भी ऐसे लाना पड़ता है स्कूल के। तो नाव वगैरह व्यवस्था नहीं रहती? नाव भी आती है तो उसमें नहीं तो डीजल पुरता है, उसका बास टूट जाए कई बार, तो बच्चे को हाथ लगाए तो ऐसे जैसे मरीजों को इस प्रकार ले जाना है। बस